बिहार में जो सियासत हो रही है उसका मुख्य केंद्र बिंदु ये है कि वहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की जान चली गई। अब कब कब जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की जान चली गई है वो आपको बताते हैं। अक्टूबर 2024 नया मामला है भगवानपुर सीवान का, जहां 20 लोगों की जान चली गई थी। वहीं अक्टूबर 2024 में ही मशरक छपरा में 13 लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने की वजह से, क्योंकि शराबबंदी है और ऐसे में जहरीली शराब बेची जाती है। अक्टूबर 2024 की बात करें मसूरिया गोपालगंज में भी 2 लोगों की मौत हो गई थी। अगस्त 2024 की बात करें तो मझौली गांव वैशाली में 2 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 2023 में जनवरी की अगर हम बात करें तो बाला गांव सीवान में 5 लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने की वजह से। अब अप्रैल 2023 के आंकड़े भी देखिए, मोतिहारी जगह थी 22 लोगों की मौत हो गई थी 2023 में, यह आंकड़ा काफी बड़ा था। नवंबर 2023 की बात करें सीतामढ़ी में 5 लोगों की मौत हो गई थी और नवंबर 2023 में ही गोपालगंज में 5 लोगों की जान जहरीली शराब पीने की वजह से चली गई थी। तो ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि आखिरकार जहरीली शराब ने कितने लोगों की कब कब जान ली है। दिसंबर 2022 मशरक छपरा में 65 लोगों की मौत हो गई थी। मार्च 2022 में बांका भागलपुर में 32 लोगों की जान चली गई थी जहरीली शराब से और नवंबर 2021 में पश्चिमी चंपारण में 8 लोगों की जान गई। फरवरी 2021 कुरसन गांव कैमूर 2 लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीने की वजह से। जो आंकड़े वहां पर बढ़े उसी की वजह से ये सारी सियासत भी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिवाली के सीजन की। दीपावली को लेकर फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में यूपीएसटीएफ और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा और इस दौरान वहां पर काफी मात्रा में नकली खोआ भी मिला है जिसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया। वहीं बुलंदशहर की बात करें तो एक मार्ट में 70% डिस्काउंट के साथ सामान बेचा जा रहा था। अधिकारियों ने छापा मारा तो पता चला कि सभी सामान की डेट एक्सपायर हो चुकी थी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। त्योहार का मौसम है और मिठाइयों की मांग भी बढ़ी हुई है। ऐसे में नकली मिठाई के धंधेबाज मुनाफा कमाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जिसको रोकने के लिए फूड सेफ्टी विभाग के साथ ही पुलिस भी एक्शन में है। लखनऊ में यूपीएसटीएफ और फूड सेफ्टी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली खोया बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 6.5 क्विंटल नकली खोया भी बरामद किया। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कई तरह की गड़बड़ियां भी पाई और खोए के साथ कई तरह की मिठाइयों के सैंपल भी लिए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मिल्क पाउडर में सोडियम सल्फाइड पाउडर को मिलाकर नकली खोआ तैयार किया जाता था। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक मार्ट पर छापा मारकर एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की खेप पकड़ी। 70% डिस्काउंट पर सामान बेचा जा रहा था लेकिन सभी खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक्सपायरी सामानों को नष्ट करवाया। यहाँ जो फूड प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो एक्सपायर होने की स्थिति में है या एक्सपायर हो भी चुके हैं, तो इसकी जांच की जा रही है। नियर टू एक्सपायरी जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को लेकर, क्योंकि संदेह है कि उनकी क्वालिटी खराब हो चुकी है, कुछ पर डेट भी मिटाई गई है, तो इनकी हम जांच करा रहे हैं। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में दीपावली के मौके पर नकली मिठाई, नकली मेवे और नकली पनीर का धंधा चरम पर पहुंच जाता है, जो खाने वालों को बीमार ही नहीं बल्कि बहुत बीमार कर सकता है। इसीलिए मिठाई और पनीर खाते वक्त सावधानी जरूर बरते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करते हैं मिठाई में मिलावट की कि आखिरकार क्या क्या मिलाया जा रहा है, ये आपको जान लेना चाहिए। दूध में यूरिया मिलाई जाती है, इसके अलावा और क्या क्या मिलाया जाता है वो भी आपको बताते हैं। यूरिया और केमिकल से नकली दूध बनता है जो कि जिसका सामान आपको बेचा जाता है। रंग के साथ वॉशिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और घी में चर्बी और पाम ऑयल भी मिलाया जाता है। घी में उबले आलू की मिलावट भी इस दौरान की जाती है। उधर मेवे में आपको बता दें कि अरारोट, मैदा और चीनी मिलाई जाती है। दाल वाली मिठाई से आपको ये भी जानकारी दे रही कि उसमें टेलकम पाउडर भी मिलाया जाता है और बेसन के लड्डू में एसबीटीएम पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है, उससे मिलावट की जाती है। यानी कि आप जो भी सामान खरीद रहे हैं बाजार से उसमें सब कुछ मिलावट होती है, लेकिन पहचान अब कैसे की जाए वो आपको मीनाक्षी बताएंगे।
शुद्धता और शुचिता से पूरी तरीके से यहाँ पर कोई मतलब नहीं नजर आता है मिलावटखोरों को। अब इनसे बचना कैसे है और पहचान कैसे करनी है वो आपको बताते हैं कि मिठाई में रंग लाने के लिए केमिकल मिलाया जाता है। ये केमिकल इतने खराब होते हैं कि आने वाले वक्त में आपको कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। मेटानिल, एलो और टार्ट्राइजिन मिलाया जाता है ताकि मिठाई को और अच्छा दिखाया जा सके। मिलावटी मिठाई हाथ में लेने पर रंग छोड़ती है, ये इसकी पहचान होती है। ये मिलावट किडनी के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है और मिलावटी मिठाइयां गर्म करने पर भूरे रंग की हो जाती है, सफेद ब्राउन कलर की हो जाती है, ये आपको बता रहे हैं। अगर खोआ दानेदार होता है तो वो मिलावटी है, ये पहचान है उसकी। आयोडीन की 2 बूंद मेवे में डाल करके आप देख सकते हैं रंग बदल जाएगा। अगर मेवा काला पड़ जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें मिलावट की गई है। मिठाई पर लगे वर्क को उंगलियों के बीच रगड़ने से भी आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि क्या उसमें मिलावट की गई है। और अगर ऐसा होता है तो पाउडर बन जाता है, असली वर्क है। अगर पाउडर बन गया तो असली वर्क है, नहीं तो नकली है। असली वर्क जलाने पर सिकुड़ जाता है क्योंकि वर्क का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिठाइयों को और खूबसूरती से पेश किया जा सके। नकली वर्क जलाने पर राख में बदल जाता है और नकली केसर पानी में डालने पर वो रंग छोड़ने लगता है, ये इसकी पहचान है। असली केसर कई घंटे तक रंग नहीं छोड़ता है, चाहे आप कितना भी उसे पानी में रख करके छोड़ सकते हैं। रंग बिरंगी मिठाई खरीदने से बचे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बांद्रा पश्चिम सीट से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवार के सामने एक ऐसा उम्मीदवार अब उतरने वाला है जिस पर कई आरोप हैं, जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और उस गैंगस्टर पर कई बड़े लोगों की हत्या के आरोप भी है। आखिरकार कौन है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बाबा सिद्दीकी की सीट पर नया दावेदार लॉरेंस लड़ेगा इस बार चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वैसे तो सभी 288 सीटों का अपना अलग महत्व है, लेकिन बीते 24 घंटे में मुंबई के इलाके में आने वाली एक विधानसभा सीट अचानक से चर्चा में आ गई। वो सीट है बांद्रा वेस्ट। इस सीट की चर्चा इसलिए क्योंकि अचानक इस सीट के लिए एक नए उम्मीदवार का नाम आगे किया गया। वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का और इस नाम को उत्तर भारतीय विकास सेना अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। लॉरेंस बिश्नोई भैया बांद्रा वेस्ट से उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी बनकर चुनाव भी लड़ेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम साबरमती जेल दोबारा भेजेंगे। अब मुंबई की बांद्रा पश्चिम सीट के बारे में भी जान लीजिए। 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के आशीष शेलार चुनाव जीते और उसके पहले 2009, 2004 और 99 के चुनाव में इस सीट पर बाबा सिद्दीकी चुनाव जीते। जी हां, आपने सही समझा, बांद्रा पश्चिम वही इलाका है जहां से बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक थे और वही इलाका जहां उनकी हत्या हो गई। और अब उसी सीट से उत्तर भारतीय विकास सेना लॉरेंस बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर आशीष शेलार को ही मौका दिया है, जबकि कांग्रेस राजेश शर्मा पर दावेदारी ठोकेगी। लेकिन क्या इस सीट पर तीसरी दावेदारी लॉरेंस बिश्नोई की होगी? अगर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ता है तो बांद्रा पश्चिम की लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी। देखना होगा कि लॉरेंस इस चिट्ठी का क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां 4 महीने पहले हुई मर्डर मिस्ट्री का राज खुल गया है और आरोपी ने जो कुछ